नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, अगर आप कैड का चित्र बनाना नहीं जानते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम आपको 2111 नंबर की हेल्प से कैड का बहुत ही आसान तरीके से चित्र बनाना सिखाएंगे। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको पहले यहाँ पर एक 2 नंबर लिखना होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं आप उसी तरह करते रहिए, आपको कैड का चित्र बनाना आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप 2 नंबर लिखिएगा। 2 नंबर लिखने के बाद आपको एक 1 नंबर यहाँ पर ऐसे लिखना होगा, फिर एक 1 नंबर आप इधर ऐसे लिख दीजिएगा, एक 1 नंबर आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इस तरह आपको 2 और 111 नंबर लिखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ से आप नीचे के साइड में एक लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको थोड़ा सा अंदर के साइड में ले जाएंगे, फिर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप आगे की तरफ ले जाइए यहाँ से, फिर यहाँ से आपको एक लाइन यानी कि हल्का सा हाफ सर्किल बनाना होगा, फिर नीचे के साइड में एक लाइन बनाइए, फिर अंदर की तरफ कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप इस साइड में से रिपीट कर दीजिएगा। इधर से एक लाइन ड्रॉ करिए, इस 1 नंबर से के साथ आप मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पर आप दिखेगा, इसी तरह आपको इधर भी करना होगा। एक छोटा सा लाइन यहाँ पर बढ़ाइए, फिर अंदर की तरफ करिएगा, एक लाइन इधर ऐसे बढ़ाइएगा, इस लाइन को अंदर के साइड में यहाँ पर ऐसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद ध्यान से देखिए, अब आपको इस 1 नंबर से इधर से हल्का सा यहाँ पर एक लाइन बढ़ाइए, इस लाइन को बहुत ही सावधानीपूर्वक इधर से ऐसे ऊपर के साइड में ले जाना होगा, यहाँ पर लाकर ऐसे छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए हल्का सा हाफ सर्किल, फिर इसको अंदर की तरफ करिएगा, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर नीचे की तरफ आप हाफ सर्किल बनाते हुए छोड़ देंगे। अब आप ऊपर के साइड में देखिएगा, यहाँ पर पहले हम ऊपर के साइड में इस कैड का हिस्सा बना देते हैं। इसको बनाने के लिए इस साइड एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाइए, ये हो जाएगा, फिर इधर हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इस साइड भी आप ऐसे हाफ सर्किल बना दीजिएगा। एक छोटी सी लाइन आगे की तरफ बढ़ाइए। इसको ध्यान से करिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आप बना लिए तो आपको कैड का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक लाइन आप इधर भी ऐसे बढ़ा दीजिएगा। लाइन बढ़ाने के बाद अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिएगा, इधर से यहाँ पर ऐसे मिलाइएगा, एक छोटी सी लाइन इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, इधर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस, एक लाइन इधर बढ़ाइएगा, फिर इसको आगे की तरफ यहाँ पे ऐसे हम बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद ऊपर के साइड में छोटी बड़ी यहाँ पे लाइनें ऐसे ड्रॉ करते हुए इसको आप मिला देंगे। यहाँ से एक छोटी सी लाइन इधर बढ़ाइए, छोटी छोटी लाइनें बढ़ाइएगा, रैंडमली यहाँ पे आप ऐसे बना देंगे। अब देखिएगा, अब आपको एक पेंसिल का यूज करना है। पेंसिल की हेल्प से एक लाइन यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे हल्की सी, इधर एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, छोटी सी लाइन इधर, एक यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, इधर भी ऐसे क्रॉस बना दीजिएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे कैट का आई। आई बनाने के लिए इस क्रॉस का यूज करते हुए इधर हाफ सर्किल करिए, फिर यहाँ से आप ऐसे मिला दीजिएगा, छोटा सा बीच में एक पॉइंट बना देंगे मार्कर या पेंसिल के अंदर, जिससे भी आप बना रहे हैं यहाँ पे बना दीजिएगा। इधर भी ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करिएगा, इधर मिलाइए, छोटा सा पॉइंट बना देंगे। पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर देखिए, इसका नोज़ बनाना होगा, इधर हाफ सर्किल करिएगा, फिर अंदर के साइड में ले जाएंगे, इधर भी आप ऐसे अंदर के साइड में ले जाइए, अंदर के साइड में ले जाते हुए नीचे की तरफ बढ़ाइएगा और इसको हम यहाँ से हाफ सर्किल बनाते हुए इसको छोड़ देंगे। इधर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे यहाँ पर इसका माउथ बनाना है। इधर ले जाइए, फिर आगे की तरफ बढ़ाइएगा, छोटा सा यहाँ पर हाफ सर्किल बना देंगे और इस साइड आप छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। इस साइड भी ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करेंगे और नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ तक आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। ऊपर के साइड में भी छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करिए, पेंसिल की हेल्प से करिएगा दोस्तों। यहाँ पे भी ऐसे छोटी छोटी लाइनें, इधर भी ऐसे, यहाँ पर भी छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ कर देंगे। आपको इस लाइन पे भी छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करते जाइएगा, यहाँ से ऐसे ले जाइए, बहुत ही सावधानीपूर्वक आप ऐसे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब आपको नीचे वाला हिस्सा बनाना है। इसको बनाने के लिए यहाँ तक तो हो गया था हमारा, इसको थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इस लेग को यहाँ से ऐसे ले जाइए और ऊपर के साइड में ले जाइएगा, यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिएगा और नीचे के साइड में इस आ जाइए। अब आपको इस कैट का टेल बनाना है। टेल बनाने के लिए यहाँ से ऐसे हल्का सा अंदर की तरफ करिएगा, फिर बाहर ले जाइएगा, यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए
और यहाँ से आप ऐसे ले जाइए, इधर छोड़िएगा, एक लाइन यहाँ पे अंदर की तरफ कर देंगे, यहाँ से ऐसे घुमाइए, फिर अंदर की तरफ इधर ले जाइएगा और यहाँ पर इसकी पूंछ बना दीजिएगा। छोटी छोटी लाइनें बहुत ही सावधानीपूर्वक ड्रॉ कर देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इस कैट के ऊपर आप ऐसे ये डिज़ाइन जो छोटे छोटे धब्बे बने रहते हैं आप उसको यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा दोस्तों। इधर भी ऊपर के साइड में बना देंगे इस लेग को, देखिएगा पूरा लेग नहीं बना था, यहाँ पर ऐसे करिए, इसको यहाँ पर आप ऐसे टच कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी ऐसे टच कर दीजिए। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से कैट का चित्र बनके तैयार हो गया दोस्तों। इसकी नाखून भी बना दीजिएगा छोटे छोटे। तो चलिए अब हम इसको पेंसिल की हेल्प से शेड भी देना सीख लेते हैं।